नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यमय तथ्यों और अद्भुत जानकारियों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे लगभग 2 बिलियन साल पीछे एक ऐसे विस्फोट की कहानी में जिसने धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मीटियोराइट इतना बड़ा हो सकता है कि वो पृथ्वी पर सबसे विशाल गड्ढा बना दे? हम बात कर रहे हैं व्रेडेफोर्ड इंपैक्ट स्ट्रक्चर की, जो धरती का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मेटियोर क्रेटर है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के भूगोल और जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में। दोस्तों, व्रेडेफोर्ड इंपैक्ट स्ट्रक्चर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह लगभग 300 किलोमीटर व्यास वाला गड्ढा है, जो इसे आज तक का सबसे बड़ा झात मीटियोराइट क्रेटर बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 2 बिलियन साल पहले एक विशाल मीटियोराइट, जिसका व्यास लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से इतनी ऊर्जा निकली जितनी लाखों परमाणु बमों से निकल सकती है। इस विस्फोट ने पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से बदल दिया। आज यह गड्ढा पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन इसके अवशेष और भूगर्भीय संरचनाएं अब भी इस घटना की कहानी बताती हैं। जब यह मीटियोराइट धरती से टकराया तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ नष्ट कर सकता था। टक्कर के तुरंत बाद एक विशाल शॉक वेव पैदा हुई, जिसने आसपास की चट्टानों और जमीन को पिघला दिया। पृथ्वी के वातावरण में धूल और गैसों का विशाल बादल छा गया, जिससे सूर्य की रोशनी हफ्तों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। इसके कारण कई पर्यावरणीय बदलाव हुए, जो उस समय के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते थे। हालांकि उस समय पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीवन नहीं था, लेकिन इस टक्कर ने हमारे ग्रह की सतह को नई आकृति देने में बड़ी भूमिका निभाई। व्रेडेफोर्ड इंपैक्ट क्रेटर सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, बल्कि यह एक भूगर्भीय खजाना है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने शॉक क्वार्ट्स जैसे खनिज पाए हैं, जो सिर्फ मीटियोराइट टकराव के दौरान बनते हैं। यहां मौजूद चट्टाने पृथ्वी की शुरुआती परतों की जानकारी देती है। क्रेटर के किनारे पर जो संरचनाएं बनी उन्हें डोम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये धरती की सतह पर दबाव और टक्कर के कारण उभरी। ये जगह वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां वे पृथ्वी के इतिहास और मीटियोराइट्स के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के मीटियोराइट टकरावों ने पृथ्वी के पर्यावरण को कई बार बदलने में भूमिका निभाई है। व्रेडेफोर्ड जैसे टकराव से सतह पर नई चट्टानों का निर्माण हुआ। इन घटनाओं ने पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों को बदला, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल बनी। यह भी संभव है कि इस टक्कर ने पृथ्वी पर पानी या जरूरी रसायनों को पहुंचाने में मदद की हो। दोस्तों, आज व्रेडेफोर्ड क्रेटर का ज्यादातर हिस्सा मिट चुका है। समय के साथ प्रकृति ने इसे ढक दिया है, लेकिन इसके अवशेष, खासतौर पर व्रेडेफोर्ड डोम, अब भी इस घटना की गवाही देते हैं। व्रेडेफोर्ड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। यह न सिर्फ एक वैज्ञानिक स्थल है, बल्कि यह इंसान की जिज्ञासा और ज्ञान की खोज का प्रतीक भी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में ऐसा कोई टकराव हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसे खतरनाक पिंड आज भी मौजूद हैं। नासा और अन्य संस्थाएं ऐसे संभावित खतरों पर नजर रखती हैं। हाल ही में डार्ट मिशन के तहत एक एस्टेरॉइड को टकराव से रोकने का प्रयोग सफल रहा, लेकिन व्रेडेफोर्ड जैसा टकराव बहुत दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा घटना लाखों या करोड़ों सालों में एक बार होती है। तो दोस्तों, व्रेडेफोर्ड इंपैक्ट स्ट्रक्चर सिर्फ एक क्रेटर नहीं, बल्कि हमारे ग्रह का एक ऐसा अध्याय है, जो हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह घटना हमारे लिए एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी इस बात की कि हमें ब्रह्मांड के खतरों के लिए तैयार रहना होगा, और प्रेरणा इस बात की कि हमारी धरती कितनी अद्भुत और जटिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।